भगवान की इस मधुर कथा को सुनने के लिए भगवान शंकर जी के सामने पार्वती मैया निवेदन करती हैं कि बाबा यदि मुझे आप अपनी दासी मानते हो सत्य सत्य, तो मैं आपको विनती करती हूँ मेरे जीवन की अज्ञानता को दूर करिए। कैसे दूर होगा? आप भगवान राम जी की कथा सुनाकर हमारे जीवन की अज्ञानता दूर करिए। पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं तो ध्यान से समझना, जीवन की अज्ञानता पढ़ने से दूर होती है, लेकिन याद रखना राम जी की कथा श्रवण करने से ही पार्वती मैया के जीवन की अज्ञानता दूर हुई है, गणेश जी के माता की अज्ञानता दूर हुई है, कार्तिकेय जी के माता जी की अज्ञानता दूर हुई है, माता दुर्गा भवानी की अज्ञानता दूर हुई है। तो आपके जीवन की भी अज्ञानता तभी दूर हो सकती है जब आप भगवान प्रभु श्री राम जी की कथा को मन लगाकर श्रवण करेंगे। मन लगाकर क्यों कहा? जैसे ही पार्वती मैया ने राम जी की कथा पूछी तो पर भगवान शंकर जी ने उनको सावधान होकर कहा, सावधान सुन सुमति भवानी, हे भवानी सावधानी पूर्वक सुनो, सुमति के साथ सुनो, कुमति के साथ नहीं सुनना। भगवान की कथा को कुमति से कुतर्क से सुनोगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। जिसकी मति कुतर्की ना हो उसे ये कथा बहुत मधुर लगेगी। इसलिए भगवान की कथा सुनते समय, राम जी के जन्म की कथा सुनते समय आपकी मति कुतर्की नहीं होनी चाहिए, आपकी मति में तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। राम जी के जन्म के अनेक कारण गिनाए हैं, परम विचित्र एक ते एक, पर एक दो कारण मैं आपको सुनाऊं भवानी, सावधान होकर सुनना।